बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल रऊफ और आप देख रहे हैं सतलुज न्यूज। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड की पेट्रोल पंप पर कम पैमाने रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। एसी रायवंड, अदनान बदर, मांगा मंडी, सदर, मुल्तान रोड पर कम पेट्रोल डालने वाले पेट्रोल पंपों के खिलाफ एक्शन। एसी अदनान का कहना है कि मोकल फिलिंग स्टेशन मांगा मंडी में कम पेट्रोल डालने पर दो न्यूजल मशीन सील कर दी गयी। मुल्तान पर वाकया सिंदर पेट्रोल सर्विस की भी दो न्यूजल मशीन सील कर दी गयी है। पेट्रोल पंपों के खिलाफ कार्रवाई अवामी शिकायत पर की गयी। आवाम के साथ धोखादेही और पेट्रोल डालने में कमी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शेखपुरा थाना सदर फारूकाबाद के इलाका गांव कुजर में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। मुजफ्फर हुसैन नामी नौजवान जहां बहत। मोटरसाइकिल सवारों ने नौजवान को इस वक्त निशाना बनाया जब वो मस्जिद के बाहर खड़ा था। मोटरसाइकिल सवार फायरिंग करते हुए फरार हो गए। थाना सदर फारूकाबाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश कब्जा में ले ली। उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट जेल के कैदियों और मुलाजमीन के हेपेटाइटिस और एड्स के टेस्ट के लिए स्क्रीनिंग। 950 एसरान और मुलाजमीन के टेस्ट के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ की जेर निगरानी मेडिकल कैंप लगाया गया। शेख अकरम सुपरिटेंडेंट जेल का कहना है कि किसी भी कैदी में HIV/C पॉजिटिव नहीं निकला। उकाड़ा के नवाही इलाका जुइया बलोच नहर सुहाग में बाप बेटे को बचाते हुए नहर में डूब कर जाँ बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त रियाज अहमद के नाम से हुई। बाप बेटा गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए करीबी नहर में नहाते रहे थे। मांगा मंडी कब्रिस्तान के सामने सामान से भरा ट्रक उलट गया। ड्राइवर को नींद आने से टायलों से भरा ट्रक पुरनानुमा अड्डा पर उलट गया। दीनानाथ से फैसलाबाद जा रहा था, ड्राइवर और कंडक्टर मौजाना तौर पर बच गए। उकाड़ा शर्की बाईपास पर तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर उलट गया। हादसा ड्राइवर को नींद आ जाने के बाइस पेश आया। उकाड़ा हादसे में ट्रक ड्राइवर और हेल्पर शदीद जख्मी। हरूनाबाद एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी ने शहर से मुलहिका 148 3R में सफाई के साथ साथ बरसाती नालों और इलाके की नालियों से मुकम्मल सफाई करवाई जाए ताकि बरसात के पानी की निकासी बेहतर तौर पर की जा सके और हर किस्म के नुकसान से बचा जा सके। इस पर तमाम मुलाजमीन की हाजिरी को यकीनी बनाना और काम में कोताही बरतने पर सख्ती से निपटाया जाएगा। मोहम्मद शाहिद बड़ी जान निशानी से मुलाजमीन से काम लेते हुए। सिमडियाल TH के अस्पताल में ट्रामा सेंटर के संगे बुनियाद के मौका पर वाइस चेयरमैन एंटी करप्शन पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद असलम घुम्मन, मोहम्मद अजीम नूरी घुम्मन, DCO सियालकोट सैयद बिलाल हैदर, DPO सियालकोट मुस्तंसर शेख सनाउल्ला, राव जफरियाब, एजाज दयाल, मिर्जा अदनान बेग और दीगर ने इफ्तिताह के बाद दुआ की। इस मौके पर कसीर तादाद में शहर की समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत। आर्यवाला में बुरेवाला रोड पर अड्डा मोहम्मद नगर के करीब तेज रफ्तार कार की ट्रक से 9 भेड़े और 2 बकरियां हलाक, जबकि 10 जख्मी होने की तस्दीक। पुलिस जाया वकुआ पर पहुंच गई। मजीद जानते हैं कमर जमान जोया से। जी कमर, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी राव साहब, बिल्कुल, आर्यवाला में बुरेवाला रोड पर ट्रैफिक हादसा अड्डा मोहम्मद नगर के करीब पेश आया। ट्रैफिक हादसा में नामालूम ड्राइवर ने तेज रफ्तारी के बाइस कार महरान भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पर चढ़ा दी। नतीजे में 9 भेड़े 2 बकरियां तकरीबन 3.5 लाख मालियत की हलाक हो गई। 10 जख्मी होने की भी तस्दीक हुई है। भेड़े मोहम्मद असलम ओडा मोहल्ला मुश्ताक नगर की बताई जाती हैं। मुकामी पुलिस जाए वकुओं पर पहुंच गई। पेट्रोलिंग पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार करके कार कब्जा में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए कमर। आरीवाला पाक पतंग थाना सिटी पाक पतंग पुलिस का पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। पतंग फरोश गिरफ्तार। कसीर तादाद में पतंगे और केमिकल डोर्स पुलिस ने अपने कब्जा में ले ली। हुकूमत पंजाब के अहकाम की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाक पतंग इबादत निसार की हिदायत पर SHO थाना सिटी पाक पतंग और उनकी टीम ने सिटी एरिया में पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुतद्दिद पतंग फरोश गिरफ्तार कर लिए और इनके कब्जा से कसीर तादाद में पतंगे और डोर बरामद कर ली। कार्रवाई के दौरान 1590 पतंगे और 40 अदद केमिकल डोर्स पुलिस ने अपना कब्जा में ली। मजीद अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.satlujnews.com।